नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रकुल और दोस्तों आज मैं कवर कर रहा हूं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले ओडीआई मैच को। अब नो डाउट काफी लोगों को यहां पर एक तरफा जीत नजर आ रही है साउथ अफ्रीका की, लेकिन आज के इस प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करेंगे कई ऐसे पहलुओं को, नजर डालेंगे पिच रिपोर्ट पर, देखेंगे आखिर कौन से हैं वो की प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको मिलती रहे क्रिकेट और आने वाले आईपीएल की A to Z डिटेल अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ साउथ अफ्रीका और दोस्तों बांग्लादेश की। जहां तक बात है तो यहां पर अभी तक हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका का ही बोलबाला नजर आया है। 21 मैचेस हुए हैं जिनमें से 17 मैचेस साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं, हालांकि 4 मैचेस बांग्लादेश ने जरूर जीते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है और ऐसे में एक बार फिर ये मैच साउथ अफ्रीका के नाम जाता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ दोस्तों। सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में ये मैच होगा। टोटल देखे जाए तो 54 मैचेस यहां खेले जा चुके हैं, जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और रन चेज करने वाली टीम 31 बार जीती है। यहां पर दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करते हुए मैच जीत सकती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या चैलेंज पुट अप कर सकती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। हालांकि अगर हम कैप्टन्स की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे इस ट्रैक पर। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहता है 248 रन, वहीं हाईएस्ट स्कोर है साउथ अफ्रीका का 392 रन 6 विकेट पर और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली साउथ अफ्रीका के नाम है 118 रन 10 विकेट पर। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो बिलो 200 का स्कोर 11 बार बनाया गया है, 200 से 249 का स्कोर 17 बार बनाया गया है, 250 से 299 का स्कोर 11 बार बनाया गया है और अबव 300 का स्कोर 15 बार बनाया जा चुका है। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो यहां पर स्कोर 250 के आसपास नजर आता दिखाई देता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर और नजर डालते हैं की प्लेयर्स पर। भाई बात करी जाए साउथ अफ्रीका की तो दोस्तों दे हैव गुड सेट्स ऑफ प्लेयर्स, टीम काफी बैलेंस नजर आती है क्योंकि पहले मैच में हमें दिख सकते हैं डेम्बा बबूमा, केशव महाराज, क्विंटन डिकॉक, जानेमन मलन, रसी वेंडर टूसे, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, ककिसो रबाडा, तब्रेज शामजी और लुंगी एनगिडी। अब यहां पर टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक, जानेमन मलन, रसी वेंडर टूसे, एडन मार्क्रम ये सभी अच्छे बल्लेबाज हैं और टॉप ऑर्डर को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रसी वेंडर टूसे और डेविड मिलर दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ओवरऑल देखें तो टेम्पा बबूमा ने भी रिसेंटली अच्छे नॉक्स किए हैं, रन स्कोर करे हैं, तो भाई टॉप ऑर्डर तो सॉर्टेड नजर आता है इंक्लूडिंग दी लोअर मिडिल ऑर्डर। अब वहीं अगर हम बॉलर्स की बात करें तो ककिसो रबाडा, तब्रेज शामजी, लुंगी एनगिडी और केशव महाराज के साथ साउथ अफ्रीका इस पहले मैच में खेलती नजर आएगी। अब दोस्तों ऐसे में अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, रसी वेंडर टूसे, एडन मार्क्रम, ककिसो रबाडा और तब्रेज शामजी हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश। अब दोस्तों इन 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के अलावा और कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा फॉर साउथ अफ्रीका, जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अब ये तो हुई बात साउथ अफ्रीकन टीम की, दोस्तों बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट्स बांग्लादेश की तरफ। भाई अगर बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए तो दोस्तों टीम सॉर्टेड तो नजर आती है, बैलेंस्ड भी है क्योंकि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में हमें खेलते नजर आ सकते हैं तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला, लिटन दास, मेहदी हसन, अफीफ हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, मेहदी हसन जॉय, मुस्तफिजुर रहमान और नजीमुल होसैन संतो। तो दोस्तों ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में खेलते नजर आएंगे। बीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है सभी प्लेयर्स ने और ओवरऑल देखें तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो टीम काफ़ी लंबे समय से खेलती दिखाई दे रही है, फॉर्म में नजर आ रही है और इसका थोड़ा सा फायदा जरूर मिल सकता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हालांकि एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम ऑन दी अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन फॉर्म नजर आ रही है और ऐसे में बांग्लादेश के लिए रास्ता आसान तो नहीं है। लेकिन अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर शाकिब अल हसन और महमूदुल्ला इन दोनों पर दारोमदार रहेगा कि ये अच्छी बल्लेबाजी करें और शाकिब से उम्मीद होगी कि वो एज एन ऑलराउंडर विकेट्स भी निकालें। वहीं अगर हम बॉलर्स की बात करें तो शोरिफुल इस्लाम अच्छे गेंदबाज है और काफ़ी लंबे अरसे से विकेट्स निकालते चले आ रहे हैं। महमूदुल हसन जॉय से उम्मीद होगी कि बेहतर परफॉर्म करें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और मुस्तफिजुर रहमान का एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन ट्रैक पर पॉजिटिव नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे 5 प्लेयर हैं जो कि बांग्लादेश के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनके अलावा दोस्तों क्या लगता है, लिटन दास और तमीम इकबाल रन स्कोर करेंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो यहां पर नो डाउट साउथ अफ्रीकन टीम मच मच
मच बेटर नजर आ रही है अगेंस्ट बांग्लादेश और वो ये मैच जीतने की प्रबल दावेदार है। भाई आपके हिसाब से दोस्तों कैसा समीकरण होगा इस मैच का हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने व्यूज जरूर दें, साथ ही साथ बताएं जरूर कि आखिर कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो इस मैच में धमाकेदार परफॉर्म करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज का नाम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे IPL की तरोताजा खबर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram फॉर क्विक अपडेट्स।